देश की मौजूदा केंद्र सरकार आने वाले बजट में तंबाकू और सिगरेट में नियम 2003 में कुछ बदलाव कर रही है। मौजूदा केंद्र सरकार ने कहा था कि आने वाले समय में जो दुकानों में एक सिगरेट मिलता है अब वहीं बॉक्स मिलेगा और इसे लोग कम सिगरेट का सेवन करेंगे, लेकिन तंबाकू और बीड़ी व्यापारी संघ ने इसके खिलाफ मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और कहा कि अगर सरकार यह नियम लाती है तो लोग तंबाकू और सिगरेट लेने बड़े बड़े दुकानों में जाएंगे। इससे फुटपाथ पर धंधा करने वाले पान तंबाकू विक्रेता का धंधा कम हो जाएगा। मुंबई बीड़ी तंबाकू व्यापारी संघ, मुंबई और महाराष्ट्र और हमारे साथी देश भर के लोगों के दिक्कत में केंद्र सरकार डाल रही है। जो कानून कोटपा एक्ट है सिगरेट और अन्य तंबाकू जैसी चीज़ें बेचने के लिए जो कानून अब तक बने हैं उसमें केंद्र सरकार बढ़ोतरी लाना चाहती है और बढ़ोतरी ऐसी लानी चाहती है कि जो रिटेलर्स है, छोटा व्यापारी है, छोटा पान वाला है, उसको मार्केट से हटा दिया जाए और खुदरा सिगरेट बेचने के बजाय जो कस्टमर खुद अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाना चाहते हैं, सिगरेट पीना कम से कम पीना वो खुद चाहते हैं, उसको गवर्नमेंट ज़्यादा सिगरेट लेने के लिए उत्तेजित कर रहा है ऐसा हमको लगता है। क्योंकि जो दो सिगरेट एक सिगरेट लेते हैं उसको गवर्नमेंट आज बोलते है लूज सिगरेट मत बेचो, पूरा पैकेट बेचो। पैकेट रहता है 10 का 20 का 50 का 500 का। क्या गवर्नमेंट ये चाहती है क्या कि जो रिटेलर्स को ये छुट्टा छुटक बेचने के बजाय वही सिगरेट, वही तंबाकू, वही पान कई मॉल में या कोई सुपरमार्केट में जावे और वहाँ से कस्टमर खुद का महीना भर का राशन भरे, जब ये वो सिगरेट लेके और स्टॉक करे और उसका जो प्रमाण है पीने का वो बढ़ा दे।